ठीक है, इट्स ओके। लेकिन एक बात याद रखना कि मैं अंतरिक्ष भैया को सलाखों के पीछे रहने नहीं दूंगा। इस शहर में और भी बहुत सारे वकील हैं, शहर का सबसे बड़ा वकील करूंगा और अंतरिक्ष भैया को जल्द से जल्द छुड़वा दूंगा। हेलो जी, मैं एडवोकेट शेट्टी बोल रहा हूं। मैं आपके भाई का केस अपने हाथ में लेना चाहता हूं। पर आपके पास उस केस की डिटेल्स तो नहीं है ना? मालूम है, देखा जाए तो ये ओपन एंड शट केस है, पर मैं इस केस को चुनौती के रूप में लेना चाहता हूँ। बाय द वे, आपको मेरी रेपुटेशन तो पता ही होगी, मैं आज तक कोई भी केस हारा नहीं हूँ। जानता हूँ, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। थैंक यू। बेटा हूं पर आज तक मुझे बाप का प्यार नहीं मिला। आपके दिल ने कभी इस रिश्ते को माना ही नहीं, तो प्यार और आशीर्वाद कहां से निकलता है इस दिल से? आज आपके बेटे के साथ अन्याय हुआ और वो न्याय के लिए लड़ने जा रहा है। मेरा दिल चाहता है कि आज मुझे आपका साथ और आशीर्वाद जरूर मिले। पापा, अदालत में तो सच और झूठ का फैसला हो ही जाएगा, लेकिन अगर आप अपने बेटे को आशीर्वाद देंगे तो उसकी हिम्मत और हौसला बढ़ जाएगा। सच की जीत हो। एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार अदालत तक जो लड़ाई आई है वो देखो दीदी, देखो कितनी भीड़ है। लोगों को भी बड़ा मजा आता है तमाशा देखने में। ओहो दीदी, छोड़ो टेलीफोन तो देखो टेलीविजन, किसे नंबर मिलाते मिलाते अपनी उंगलियों की डेथ कराई जा रहे हो। ओहो, तुझे क्या पता मैं किसको फोन कर रही हूँ? पता है, मैं यश चोपड़ा, सुभाष घई, करण जौहर और वो जो पूतों की फिल्म बनाता है राम गोपाल वर्मा, ये सारे नंबर मेरे पास है, मैं उनको लगाने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों? वो तो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, उन्हें क्यों नंबर लगा रही हो? तभी तो, आजकल इस कार में जो गोल शोल और मजेदार कहानी चल रही है ना, ऐसी कहानी उन लोगों के पास है कहाँ? हम दोनों मिलकर उन लोगों को ये कहानी देंगे। वेरी गुड, कल के मिलने का टाइम ले लो, क्योंकि आज तो इस कहानी का क्लाइमेक्स शुरू हो जाएगा। फिर दी एंड, आज पता चल जाएगा कौन हीरो है, कौन विलेन, और किसकी होगी जीत, किसकी होगी। फिर बन जाने दो इस हिट कहानी पर एक सुपर हिट फिल्म। तो ला हेलो, सोच रहे हो? क्या हो गया? किसको दोषी कहें? समझ में नहीं आ रहा। फिर ये हमारा अंतरिक्ष है, हमारा बेटा, हमारा बच्चा। पर अब न्याय होगा,
बात अदालत तक पहुंची है तो वही फैसला होगा। कविता, कविता, न्याय तो होगा ही। मैं जानती हूं कि जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। बात जितनी बिगड़नी थी बिगड़ चुकी, पर अब इससे ज्यादा मैं और कुछ भी नहीं होने दूंगी। इससे ज्यादा मेरे साथ और क्या बुरा हो सकता है? इन सलाखों के पीछे तो मैं पहुंच ही चुका हूं, अब मेरे साथ और क्या बुरा हो सकता है? तुम्हें यहां पहुंचने से मैं नहीं रोक पाई, तुम पर केस हुआ वो भी मैं नहीं रोक पाई। अंतरिक्ष, उन लोगों की जीत बस यही तक सीमित है। अब उनका बढ़ता हुआ हर कदम मैं रोकूंगी, मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगी, ये मेरा वादा है तुमसे, विश्वास करो। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरा साथ क्यों दे रही है? इन्हें मेरी हार से क्या फर्क पड़ेगा? पता नहीं आज अदालत में किस किस बात का सामना करना पड़ेगा मुझे। जानता हूं मां कि आप हैरान हो रही हैं। जिंदगी में पहली बार जो आज करने जा रहा हूं उसमें आपकी मर्जी शामिल नहीं है, पर मॉम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए कि मैं जो कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि शायद मेरा कदम हमारे घर की इज्जत पर उछाले जाने वाले कीचड़ को रोक पाए। मामा रुद्र और निहारिका ने अंतरिक्ष भैया का अपमान करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, और अब अंतरिक्ष भैया के उस गलत कदम का वो पूरा फायदा उठाएंगे और हमारे घर की इज्जत पर कीचड़ उछालने की कोशिश करेंगे। देखो ध्रुव, निहारिका ने आज तक जो भी किया वो उसकी फितरत थी, लेकिन अंतरिक्ष ने जो किया वो मेरे बेटे के संस्कार नहीं थे। देखो ध्रुव, न्याय और अन्याय की लड़ाई में, सच और झूठ की जंग में रिश्ते भूलने पड़ते हैं। जानता हूं, लेकिन अगर सभी लोग अंतरिक्ष भैया से मुंह फेर लेंगे तो नहीं। ध्रुव, आज मैं यहाँ भगवान के सामने तुम्हारी जीत की शुभकामना भी तो नहीं कर सकती, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की होती है और सच के लिए मैं लड़ रही हूँ। नहीं रीतिका, जीत तो मेरे लिए होगी, क्योंकि मेरी लड़ाई अपने परिवार की इज्जत और मान के लिए है। मैंने अपने कदम इस जंग को जीतने के लिए उठा लिए हैं, और हमारा उठाया हुआ हर कदम अनजाने में हमें एक दूसरे से दूर ले जा रहा है। मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हारा जिंदगी भर तक साथ निभाऊंगा। मैं भी वचन देती हूं कि जिंदगी भर मैं भी तुम्हारा साथ निभाऊंगी। मैं वचन देता हूं कि खुद से ज्यादा तुम पर विश्वास करूंगा। मैं भी वचन देती हूं कि मेरे दिल की हर एक बात का पता तुम्हें होगा। वचन देता हूं कि अपना लोग
ना हालात और ना ही वक्त हम दोनों को जुदा कर पाएगा। हम एक दूसरे के दिल के इतने नजदीक होंगे कि खुद की धड़कनों की आवाज में फर्क नहीं कर पाएंगे। ये वचन जो दिया था निभाने के लिए, पर वचन टूटते हुए नजर आ रहे हैं। इन वचनों की बुनियाद पर ही तो हमारा रिश्ता कायम है। विश्वास की बुनियाद ही है तो क्या हमारा रिश्ता बिखर नहीं जाएगा? रिश्ता टूटने में तो एक पल लगता है और जुड़ने में एक उम्र। पर उम्र भर जीने पर झूठ का बोझ लेकर भी तो जिया नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है आपके साथ आपके परिवार का कोई और सदस्य भी आपका साथ दे रहा है? आपकी पत्नी का कहना है वो सच का साथ दे रही है। ये सच क्या है इसके बारे में आप कुछ बताइए वैदिका जी। पति के खिलाफ जाकर अपनी बहन का साथ क्यों दे रही हैं? इसे आप आपके खून का जोश समझे या सच का साथ देने का जज्बा? जवाब दीजिए, आप बोलते क्यों नहीं कि आपके भाई वाकई बेगुनाह है या सिर्फ आप ऐसा सोचते हैं? जवाब दीजिए मिस्टर रायजादा। वैदिका जी आपको सबको बताना ही पड़ेगा। वैदिका जी बताइए, जवाब दीजिए। वैदिका जी कैसी हो आरती? ठीक हूँ। तुम्हारे केस के लिए ऑल द बेस्ट तो कहना चाहता हूँ, पर क्या करूं, जुबान साथ नहीं दे रही है। देखो ना ध्रुव, मैं भी कहना चाहती हूँ कि तुम ये केस जीत जाओ, लेकिन कैसे कहूँ? आज दो दोस्त एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। नहीं ध्रुव, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो बस सच के पक्ष में हूँ। अपने अपने विश्वास को साथ देने में हम एक दूसरे की दोस्ती पर दाग नहीं आने देंगे। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट अंतरिक्ष रायजादा पर एक घिनौना इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने निहारिका रायजादा का बलात्कार किया है, जो सरासर झूठा और बेबुनियाद है। योर ऑनर, केस की तो अभी शुरुआत हुई है और मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने फैसला भी सुना दिया। सेठी साहब, फैसला सुनाने का काम हम अगर ऑनरेबल जज के जिम्मे छोड़ दें तो ही बेहतर होगा। ऑफ कोर्स योर ऑनर, सबसे पहले मैं निहारिका रायजादा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो भी कहेंगी सच कहेंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी।
मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हाँ तो मिसेस निहारिका रायजादा, बताइए उस रात क्या हुआ? उस रात मैं रायजादा इंडस्ट्रीज की तरफ से आयोजित गरबा में गई थी। मुझे किसी काम से ऊपर जाना पड़ा। ऑफिस में कोई नहीं था और तभी अचानक तो आपने शोर तो मचाया होगा, उनसे छुड़वाने के लिए काफी चीखी होंगी, चिल्लाई होंगी, फिर भी आपकी मदद के लिए कोई आया नहीं, क्यों? बहुत चीखी थी, बहुत चिल्लाई थी, घर पे के शोर की वजह से किसी ने मेरी चीखें नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी। ये तो बड़ी सुनी सुनाई कहानी जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म में देखा हो। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मेरे क्लाइंट के बयान को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, वो उनकी बात को पूरी तरह सुने बिना ही किसी फिल्म का सीन बता रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। आई एम सॉरी ऑनर, पर मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अंतरिक्ष रायजादा उस वक्त वहां गए जरूर थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए, और फिर वो अपने घर चले गए थे। इट इज एन एब्सोल्यूट लाई ऑनर। अंतरिक्ष ने निहारिका को ऊपर जाते हुए देखा, उसका पीछा किया और मौका मिलते ही बलात्कार कर दिया। और इसके चश्मदीद गवाह मिसेस वेदिका रायजादा हैं। मैं मिसेस वेदिका रायजादा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो भी कहेंगी सच कहेंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी।